तो गाइज आपको भी आईडी वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है आपके ईमेल पर, जब भी आप ईमेल आप लॉगिन करते हो सुपर सेल में, तो आपको भी मतलब वो ओटीपी नहीं जाता है। तो ये ओटीपी नहीं जाने का प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा, जो आप लोगों को 100% आप लोगों का ठीक हो जाएगा, ठीक है। जो जितने बंदे को भी आ रहा है, बहुत बंदे का भाई हो जाएगा इजीली, बट थर्ड वाला भाई जो मैं बताऊंगा उसको आप लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा सुपर सेल से, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बट आप लोगों को मैं इस वीडियो में बता ही दूंगा। मतलब 100% कंफर्म है कि भाई आप लोगों का ठीक हो जाएगा, ऐसे तीन ट्रिक बताऊंगा जिससे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट दिस आवर वीडियो गाइज। को बताने जा रहा हूँ फर्स्ट ट्रिक, जो आप लोगों को, आप बहुत बंदे चेक नहीं करते, तो आप लोग जैसे ईमेल डालोगे यानी इधर आपको कोड नहीं मिलेगा, तो रिफ्रेश कर सकते हो। रिफ्रेश से भी नहीं आ रहा तो एक बार आप अपना फोल्डर में जाकर स्पैम फोल्डर में चेक कर सकते हो। जैसे मैंने चेक किया अभी तो यहाँ पर आया हुआ है, तो इस तरीके से आप लोग स्पैम फोल्डर से भी देख सकते हो। बहुत बंदे का स्पैम फोल्डर में जाता रहता है, तो उसको आप लोग भाई प्राइमरी में लेकर जा सकते हो उधर से, ठीक है। एंड स्पैम फोल्डर में बहुत बंदे चेक नहीं करते एंड बोलते हैं कि भाई मेरा आईडी नहीं लॉगिन हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ट्रिक ये है गाइज, ठीक है। इस तरीके से आप लोग स्पैम फोल्डर में उसको चेक कर सकते हो। ये गाइज आप लोग भाई अपना जीमेल का ये खोलना, ठीक है, सेटिंग्स, एंड उधर भाई आप लोगों को क्लियर स्टोरेज करके मिलेगा, तो क्लियर कैच करना। क्लियर स्टोरेज करोगे तो सारा जीमेल आपका रिमूव हो जाएगा, तो ये मत करना, क्लियर कैच ही करना बस, ठीक है। तो इससे भी आप लोग रिफ्रेश करके चेकआउट कर सकते हो, उधर ईमेल आ सकता है आपको, ठीक है। ट्रिक है गाइज, आप लोगों को सुपर सेल से कंटैक्ट करना पड़ रहेगा, ठीक है। आप लोगों के पास अकाउंट प्रोटेक्शन है, सब कुछ है, आपका डिटेल है, तभी कंटैक्ट करना, क्योंकि ये रिस्क हो सकता है, आप लोगों को बैन भी पड़ सकता है कुछ भी रॉन्ग दोगे तो, ठीक है। तो इसीलिए भाई थर्ड ट्रिक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मत यूज करना, मतलब लगभग आपके पास पूरा डिटेल है तभी थर्ड ट्रिक आप यूज करना, टिप्स करना। हेल्प एंड सपोर्ट में जाकर हेल्प मांग सकते हो सुपर सेल से, वो लोग आपको भाई दूसरा जीमेल में या भाई उसी में आप लोगों को कनेक्ट करके देंगे, ताकि भाई आप लोगों को ओटीपी मिलेंगे, ठीक है। ये थर्ड वाला जब भाई ये सब करके सेकंड एंड फर्स्ट वाला कर लोगे तब थर्ड वाला करना, वरना भाई बाद में जाकर पता चला कि भाई वो यूज हो रहा है एंड फालतू के तुम लोग मेहनत बेकार हो जाएगी। इसमें आप लोगों को 2-3 मिनट लगेंगे, ठीक है, ये थर्ड वाला में 2-3 मिनट क्या 5 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। तो बट हो जाएगा भाई, थर्ड वाला तो एकदम कंफर्म है, बट ये सेकंड फर्स्ट कर लेना पहले, ठीक है, तब जाकर आप थर्ड करना। बाकी आज के लिए इतना ही गाइज, एंड आई नो कि आप लोगों को भाई ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को आईडी मतलब ओटीपी का प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी और वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइज।